आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिंदगी में पैसा कितना महत्वपूर्ण है। जिंदगी में जो भी समस्याएं होती हैं, पैसा उन समस्याओं का 80% खत्म कर देता है। इंसान के पास अगर पैसा बेशुमार हो तो उसकी जिंदगी शानदार होती है। जिंदगी में वो बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर लेता है। जिस इंसान के पास पैसों का अभाव है, उस इंसान से पूछो पैसे का दर्द। कई लोग मेरे चैनल पे हैं जो ये सवाल करते हैं कि क्या जिंदगी में पैसा भी भाग्य से मिलता है या पैसा मेहनत से कमाया जाता है। अगर मेहनत से कमाया जाता है तो गरीब आदमी के पास पैसा क्यों नहीं आता है? क्योंकि गरीब आदमी तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। सुबह से लेकर रात तक वो मेहनत करता है, तो गरीब के पास इतना ही पैसा क्यों आता है जिससे उसकी बस जिंदगी चल रही है? और वही किसी किसी के पास इतना पैसा है कि उसकी कई पीढ़ी बैठ के खाएगी। क्या है पैसे का रहस्य? और ये पैसा इंसान कौन सा ऐसा कर्म करता है कि इतना ज्यादा कमा जाता है? तो आइए इस सब्जेक्ट को समझते हैं। शुरू करूं इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। तो दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था कि क्या जिंदगी में सब कुछ पहले से तय है। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और मैं आज फिर कह रहा हूं कि जब जिंदगी में सब कुछ पहले से तय है तो पैसा भी तो उसी का अंग है। जिंदगी में आप कितना पैसा कमाओगे, कितना अमीर बनोगे, कितनी गाड़ियां आपके पास होगी, कितने बैंक बैलेंस होंगे आपके पास, ये सब कुछ आपका पहले से तय होता है। अगर तय नहीं होता तो एक साधारण आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बनता या भारत का सबसे अमीर आदमी नहीं बनता। एक समय था कि धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचा करते थे, नौकरी किया करते थे, छोटे मोटे काम किया करते थे। कोई उनसे कहता कि आप बड़ा बनोगे तो वो उसको गाली देते थे और कहते थे कि आज मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हूं और तुम मुझे कहते हो कि मैं बड़ा बनूंगा। एक बार की बात है कि उनके कोकिलाबेन के पास एक एस्ट्रोलॉजर आया था। उसने कहा था कि आपका पति बहुत अमीर बनेगा आने वाले समय में। तो कोकिलाबेन ने अपने पति धीरूभाई अंबानी को बताया तो धीरूभाई अंबानी भड़क उठे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दे सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं, उनकी इच्छाएं पूरी कर सकूं, और तुम कह रही हो कि मैं अमीर बनूंगा। तो किस्मत में था और उसी के बाद उनकी जिंदगी बदली और ऐसी बदली कि भारत के आज सबसे ज्यादा अमीर इंसान है। आप सब अंबानी को जानते हैं, इतना जानते हैं कि आपके मोबाइल में जो नंबर है जियो का, उन्हीं की कंपनी की है। तो जिंदगी में पैसा पहले से तय है और यह भी तय है कि कौन सा ऐसा जिंदगी का आपका समय आएगा जब आपका पैसा खुद ब खुद आपको कमाई करके देगा या पैसा आपके पास खुद ब खुद आएगा और इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते। और जिंदगी में कभी कभी ऐसा फेज आएगा कि आप रेंट देने के लिए तरसोगे, कर्ज लेना पड़ेगा। जीवन में हालात कभी कभी पैसों के कारण इतनी बुरी हो जाती है इंसान की कि वो बस रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और जीवन में कभी कभी इतने पैसे आ जाते हैं इंसान के पास कि वो घूमने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है कई लोग हैं इस दुनिया में जो आपके आंखों के सामने अमीर बने हैं। आपके ही घर के आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा या आपके गांव में होगा जो
आज से 20 साल पहले उसकी कोई हैसियत नहीं थी। आपका या आपका परिवार उससे कई गुना ज्यादा कम अमीर था, लेकिन वक्त बदला और उसको ऐसा काम मिला, ठेकेदारी वगैरह का काम लिया उसने, या कोई बिजनेस खोला, या उसका बेटा किसी नौकरी में लगा, और उसके बाद वो इतना पैसा कमाया कि चार तल्ले की बिल्डिंग, शहर में जमीन खरीद के मकान बनाना, सब उसने कर दिया। नई गाड़ी, अपने बच्चे की पढ़ाई भारत के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से कराने लगा। बेटी की शादी इतने धूमधाम से की कि उस थाने में उतना किसी ने नहीं की होगी। तो ये सब अचानक से कैसे हो जाता है? ये सब किस्मत में रहता है। किस्मत में नहीं है तो कहां से मिलेगा? पैसा भी किस्मत से ही मिलता है। जबरदस्ती या पैसा नहीं कमा पाओगे। आप कितना भी मेहनत कर लोगे, मेहनत से पैसा कमाया नहीं जाता। मेहनत से आप बस इतना कमा सकते हो कि आप जिंदगी अच्छे से जी सको। नौकरी वाले जो लोग होते हैं उनके हालात बहुत अच्छे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स होती है, एक लिमिट मात्रा में होती है। मान के चलिए कोई भी हो, मेरे एक रिश्तेदार हैं जो CRPF में हेड हैं, उनकी सैलरी मान के चलो 1 लाख है, तो 1 लाख पहले से खर्च होने के तय है। रेंट इतना देना है, या ये खर्चा इतना है, वो खर्चा इतना है, वो फिक्स है, और वो 10 साल से चल रहा है। 10 साल से उतने ही पैसे आते हैं, ना अधिक ना कम। जिंदगी तो अच्छी चल ही रही है, पर अपार धन नहीं बना पाए। अपार धन आप कोई भी नौकरी करके नहीं कमा सकते। जिंदगी में जब आप रिस्क लोगे, बड़ा रिस्क लोगे, तभी आप अपार धन कमा सकते हो। हंसल मेहता शेयर बाजार में पैसा लगा के इतना पैसा कमाया, स्कैम भी हुआ, स्कैम 1992। उसने इतनी ज्यादा पैसे कमा ली कि भारत सरकार की नजर उस पर पड़ गई। अच्छे से कमाया, बुरे से कमाया, इसकी फिक्र मत करिए, वो तो सरकार का काम है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पैसा मेहनत से कमाया जा सकता है। जी नहीं, मेहनत से इस संसार में कोई पैसा नहीं कमाता है, किस्मत से पैसा कमाया जाता है। जब आपका वक्त अच्छा होता है तो आप जो काम करते हो उसमें कई गुना ज्यादा आपकी बढ़ोतरी होती है। वक्त खराब होता है तो आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, आप पैसा उतना नहीं कमा पाओगे जितना आप चाहते हो। तो ये बात तो तय है कि पैसा जो है वो किस्मत से ही इंसान को आता है। प्रारब्ध में अपने डोनेशन बहुत किए हैं, किसी न किसी जन्म में दान पुण्य किया है, तभी जाकर इस पैसे, इस जीवन में आपको पैसे भरपूर मिलते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, इस जिंदगी में आपके पास अगर पैसे हैं तो आप दान पुण्य करते रहो, लोगों की सेवा करते रहो, क्योंकि किसी न किसी जीवन में यही पैसा आपके पास रिटर्न आना है। तो अगर आपके पास, अगर आपका पेट अगर 10 रुपया में भर रहा है, और अगर आपके पास 100 रुपया है, तो आप 20 रुपया दान जरूर करो। यही दान आपको किसी न किसी जन्म में बहुत अमीर बनाएगा। इसलिए बेहिचक दान करिए जिंदगी में। इस दुनिया में कौन इंसान ऐसा है जो भाग्यशाली होना नहीं चाहता है? हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो भाग्यशाली हो। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में जो भी उसका समय आए वो भाग्य लेकर आए, हमेशा उसको अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी वो जिंदगी में सोच रहा है उसे मिलता जाए। हर इंसान यही चाहता है कि वो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान बने, उसको सुंदर पत्नी मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छी नौकरी मिले, वह दिन ब दिन तरक्की करता जाए। हर इंसान की ख्वाहिश यही होती है। लेकिन जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता है, उनको इन्हीं सब चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, इन्हीं सब चीजों के लिए जूझना पड़ता है। जीवन में क्या है? जीवन में अगर आपका शरीर अच्छा है, आपके पास भरपूर धन है, आप मेहनती हैं, और आपके पास सुखों का संसाधन है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी बुद्धि अच्छी है,
आपके शत्रु कम हैं, आपके कंपटीशन कम हैं, आपके जीवन में संघर्ष कम है, आपके जीवन में पत्नी अच्छी है, सपोर्टिव है, आपको मदद करती है जीवन में आगे बढ़ाने में, आपके जीवन में दुख कम है, परेशानी कम है, कष्ट कम है। अगर आपके जीवन में भाग्य भरपूर है, आपका जो भी आप काम करते हो उसमें भाग्य आपका सहयोग करता है, और अगर आपका कर्म बहुत अच्छा है, जीवन में आप जो कर्म करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, जीवन में अगर आपको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है, आपकी इच्छा पूर्ति संसार में हो रही है, और आप दुनिया में घूमने जा रहे हैं, आप जीवन में आपके जीवन में हॉस्पिटल के खर्चे नहीं हो रहे, आप कम खर्च कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान कौन है। वो कौन इंसान होता है जो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान होता है? तो आइए इस बात को समझते हैं। समझने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से दुनिया का सौभाग्यशाली सबसे ज्यादा वो इंसान है जिसका शरीर अच्छा है, जिसके शरीर में कोई परेशानी नहीं, वो एकदम स्वस्थ है, अपने शरीर को लेकर मेहनत भी करता है, अपने बॉडी का हर अंग अच्छा रखता है, और भगवान ने उसको किसी भी अंग में कोई समस्या नहीं दी है। अगर उसकी बुद्धि शानदार है, वो अच्छा से सोच पाता है, वो सही तरीके से सोच पाता है, जीवन में अच्छा डिसीजन ले पाता है, और अगर उसके कर्म सही है, वो कर्म जो करना चाहता है, जो उसने सपना देखा है, जो जिंदगी में पाना चाहता है, अगर वो सही है तो इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान वही है जिसका शरीर ठीक है, जिसकी बुद्धि ठीक है, और जिसके कर्म ठीक है। अब आप बात करेंगे कि रिलेशनशिप के बगैर भी महान बना जा सकता है, जीवन में दुश्मन ना हो तो भी महान बना जा सकता है, जीवन में भाग्य ना हो तो भी महान बना जा सकता है, जीवन में पैसे ना हो तो भी महान बना जा सकता है, जीवन में आपके खर्चे बहुत हो रहे हो तो भी महान बना जा सकता है, जीवन में आपके पास धन हो या ना हो। स्वामी विवेकानंद के पास कोई भी धन नहीं था, स्वामी विवेकानंद के पास कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, स्वामी विवेकानंद के पास कोई भी भाग्य नहीं था, स्वामी विवेकानंद के पास था सबसे ज्यादा उनकी बुद्धि, तीव्र बुद्धि, 13% अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते थे वो, और कर्म ये कि अपने गुरु के उपदेश को पूरी दुनिया में फैलाना है, और उस लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़े, और अमेरिका में जाकर, शिकागो में जाकर उन्होंने भाषण दिए, और आज भारत में हर गली, हर सड़क, हर जगह, आपके भी मोहल्ले में या दुनिया में कहीं भी उनके नाम का सड़क है, उनके नाम का पार्क है, उनके नाम से बात किया जाता है। भारत में हर शहर में, हर गली में एक ना एक विवेकानंद मार्ग जरूर है, जबकि उनके पास ना कोई रिलेशनशिप था, ना कोई पैसे थे, ना कभी उन्होंने इच्छाओं के पीछे अपना समय बर्बाद किया, ना उनके पास कोई बहुत ज्यादा भाग्य था। क्या था? एक सुंदर सा शरीर था, तीव्र बुद्धि थी, और कर्म सही थे। जिस इंसान के ये तीन चीज अगर अच्छे हैं, उसको दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बहुत लोग हैं दुनिया में जिनकी शादी नहीं हुई और वो महान बने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। क्या था इन लोगों के पास? एपीजे अब्दुल कलाम तो शादी नहीं किए, शरीर, बुद्धि और कर्म,
यही तीन चीज है जो आपको दुनिया में महान बनाएगा। भाग्य हो या ना हो, पैसे हो या ना हो। कलाम साहब के पास पैसे नहीं थे, बहन ने अपने जेवर गिरवी रख के पढ़ाई कराए थे, तब जाके वो पढ़े थे, लेकिन महान बने। तो मैं यही बात कहूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वही इंसान है जिसके पास ये तीन चीज है, और जो इन्हीं तीन चीज पे अपना समय सबसे ज्यादा लगाता है, अपने शरीर पे, अपने बुद्धि पे और अपने कर्म पे, वो एक ना एक दिन महान बन जाएगा। रिलेशनशिप पे जो समय लगाता है वो क्या करेगा, वो दुनिया में अपने बच्चों को आगे बढ़ा लेगा, अपने संसार को आगे बढ़ा लेगा। खुद महान बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवन में आपको कहीं ना कहीं तो समय देना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर को समय देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो पार्टनर रूठ जाएगा, शादी टूट जाएगी। धन कमाना है तो आपकी इच्छाएं बाधित होगी ही होगी, आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। धन कमाने के लिए कभी कभी ऐसा कर्म करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते, और आप महान नहीं बन पाते हैं धन के पीछे अगर भागते हैं तो। लेकिन अगर आप कर्म के पीछे भागते हैं, अपने बुद्धि को सही करते हैं, जो ज्ञानी है, जो सच में बहुत बुद्धिमान है, वो अपने लिए रास्ता ढूंढ ही लेगा, सही मार्ग ढूंढ ही लेगा। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? भगवान ने जिसको अच्छा शरीर दिया है, बेहतरीन बुद्धि दी है और कर्म करने की ताकत दी है, मोटिवेशन दिया है कि वो दुनिया का किसी भी कर्म को कर जाए, कोई भी रास्ते में मुसीबत आए उसको पार कर जाए, अपने कर्मों को पूरा करे, अपने सपनों को पूरा करे, जो लक्ष्य लेके चला था उसे पूरा करे। इससे ज्यादा सौभाग्यशाली इंसान क्या हो सकता है? शादियां तो कई लोगों की अच्छी चल रही है, क्या वो सौभाग्यशाली है? क्या उनको दुनिया जानती है? नहीं जानती है। इसलिए आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं, तो आप ये सोच लीजिएगा ये तीन चीज आपके पास है या नहीं। जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है, ये कहावत बहुत पुरानी है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। क्या वाकई में ऐसा होता है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है? हर कदम पे उसका ईश्वर मदद करता है? अगर ऐसा है तो मैं भी तो अपनी जिंदगी में अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे पास। कहने को कुछ रिश्ते हैं पर वो अपने तो है नहीं। कहने को रिश्ते हैं पर वो दिल के रिश्ते तो रहे नहीं, वो बस जरूरत के रिश्ते हो गए। इंसान के जीवन में ज्यादातर जो रिश्ते हैं वो जरूरत के रिश्ते, यहां सब जरूरत के रिश्ते हैं, रिश्तों की जरूरत किसी को नहीं। तो हम भी तो अकेले हैं, अनजान जगह पे अनजान हूं मैं, और कुछ देखा ना जाए तो हम सब इस संसार में अकेले ही हैं। हम उस ईश्वर के ही अंश हैं, तो मेरे जीवन में कभी ईश्वर मेरी मदद क्यों नहीं करते? मेरे जीवन में ईश्वर मुझे मेरी परेशानियों से बाहर क्यों नहीं निकालते? कभी कभी जिंदगी को देख के तो लगता है कि ईश्वर हमारी मदद नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर हमें प्रॉब्लम और देते हैं। इंसान संघर्ष करते करते थक जाता है, लेकिन उसका दुख उसका दर्द खत्म नहीं होने का नाम लेता। इंसान के जिंदगी में एक बार दुख आ जाती है वो जाने का नाम ही नहीं लेती, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, जिंदगी कितनी भी बदल जाए, साल कितने भी बदल जाए, दिवाली कितनी भी बीत जाए, लेकिन इंसान के जीवन में जो समस्याएं आती है वो लंबे समय तक आती है। तो क्या ईश्वर मेरी सुनेंगे? मन में इस तरह के सवाल बहुत आते हैं।
लेकिन आप इस बात को जरा बताइए कि क्या यह सच नहीं है कि ईश्वर ने हर कदम पे आपकी मदद की, हर मुसीबत से ईश्वर ने आपको बाहर निकाला है। वो कौन है जो आपको जीवन में मदद करता है? वो ईश्वर ही है ना जो आपके हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। जीवन में बेशक परेशानी आती है, प्रारब्ध के ऐसे कर्म है, ऐसी जिंदगी है, ऐसे कुछ गलत कर्म हुए हैं जिससे इस जिंदगी में कष्ट आती है, परेशानी आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है। पर ईश्वर हमारे अपने हैं, वो हमें बेहतरीन प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी तो उंगली पकड़ के वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। और जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर उससे भी प्यार करते हैं। हम सब बात करते हैं कि ईश्वर हमारी नहीं सुनते, हमारे जीवन में दुख देते हैं, परेशानी देते हैं, पर आप ईश्वर के शरण में कितने देर रहते हैं? ईश्वर के पास आप कितने बार जाते हैं? साल में एक आध बार चले गए और आप उम्मीद लगाए रहते हैं। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जो आपकी जिंदगी में रहता है, वह इंसान आपके साथ रात दिन रहता है, सोता है, गाता है, खाता है, फिरता है, घूमता है, वो इंसान तो आपकी सुनता ही नहीं है, जबकि आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। साल में आप एक बार ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर आपको मुसीबत से बाहर निकालते हैं, तो क्या ईश्वर ने आपको गोद में नहीं लिया है? क्या ईश्वर ने आपको गोद में नहीं बैठाया हुआ है? मुसीबत के समय जब नींद आती है, जब आपके जीवन में बहुत परेशानी आती है, बहुत तकलीफ आती है, तो जब आप रात में सोते हैं तो ईश्वर के ही गोद में सोते हैं, अन्यथा मुसीबत में नींद किसको आती है? लेकिन नींद ऐसी चीज है कि रात में आ ही जाती है। नींद तो दर्द के भी बिस्तर पे आ जाता है, वो इसीलिए आ जाता है कि ईश्वर हमें सुलाते हैं, ईश्वर हमें बेहतरीन प्यार करते हैं, बे इंतहा प्यार करते हैं, हर घड़ी हर पल वो हमारी मदद करते हैं। वो हम ही हैं जो आंखों पे पट्टी बांधे रहते हैं और कहते हैं कि कहां, कब किया ईश्वर ने मेरी मदद, मैंने जिंदगी में जो कुछ किया है सब के सब अपने दम पे किया है, अपनी मेहनत से किया है। जबकि सच्चाई यही है कि ईश्वर अगर आपके सर से अपना हाथ खींच ले तो आप एक सेकंड सांस नहीं ले पाएंगे। आप कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, बड़ी परेशानी दी है, बड़े दुख दिए। आप जिंदगी में खा रहे हो खाना, आपको जिंदगी में सोने के लिए बिस्तर है, आपके शरीर ठीक है, आपकी बुद्धि ठीक है, और आप कह रहे हो कि ईश्वर ने मुझे कष्ट दिया है। ईश्वर अगर कष्ट देने पे आ जाए तो आप बर्दाश्त कर पाओगे, सह पाओगे ईश्वर का दिया हुआ कष्ट? जरा सा हाथ क्या जलती है, इंसान तलमला जाता है। ईश्वर थोड़ा इंसान का परीक्षा का क्या ले लेते हैं, वो भी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि आप मेच्योर बने, क्योंकि आप बहुत इनमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत ज्यादा किसी भी चीज में पोजेसिव हो जाते हैं, आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, इसीलिए ईश्वर आपको ठोक पीट के मेच्योर करते हैं। बुद्धि जो है ना, वो ठोकरे खा के आती है, किताबें पढ़ के बादाम खा के नहीं आती है, इसीलिए ईश्वर जीवन में परेशानी लाते हैं। जिसने 10 रुपये का मोहताज देखा होगा अपनी जिंदगी में, 10 रुपये के कारण वो जिंदगी में रोया होगा, वही पैसों का मोल समझ सकता है। जिसने जीवन में प्यार को अभाव झेला होगा, प्यार का अभाव, वही प्यार का मोल समझ सकता है। वो इंसान किसी भी चीज का मोल नहीं समझता जिसके पास सब कुछ भरा पड़ा है। अभाव जिसने जिस मामले में देखी है वही तो समझ पाएगा। जिसने अपने जिंदगी में दुख झेली है वही इंसान दूसरों का दुख समझ पाएगा ना, महसूस कर पाएगा ना। जिसने खुद कभी दुखी नहीं झेली, परेशानी देखी ही नहीं, वो क्या जीवन में दूसरों की मदद कर पाएगा या दूसरों का दुख
समझ पाएगा या दूसरों का आंसू समझ पाएगा? इसीलिए तो बहुत अमीर इंसान कभी किसी की सहायता नहीं कर पाता है, वो अपने ही दुनिया में मस्त रहता है। गरीब गरीब का सहायता करता है, एक दुखी दूसरे दुखी का सहायता करता है। तो इसीलिए ईश्वर पे आप शक मत करिए। ईश्वर आप अकेले हो तो भी आपको प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप परिवार के साथ हो तो भी ईश्वर प्यार करते हैं, क्योंकि ईश्वर की नजर में आप अकेले ही हैं इस संसार में। भगवान कृष्ण ने कहा ना गीता में कि तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं मेरे सिवा, मैं ही तुम्हें प्यार करता हूं, मैं ही तुम्हें सीने से लगाऊंगा, तुम मुझे दिल से याद तो करो, तो मेरी फरियाद तो करो। लेकिन हम वही हैं कि हम जिसको याद करना चाहें उसी को याद करते हैं, जिसने हमें इस संसार में भेजा, जो हमसे बेहतरीन प्यार करता है, बे इंतहा प्यार करता है ईश्वर, हम उसी को याद नहीं करते हैं। हम उसी को कोसते रहते हैं कि तुमने हमें कुछ नहीं दिया, जबकि जिंदगी में देखे तो छोटी मोटी प्यार पैसे इसके अलावा क्या समस्या है जिंदगी में, जिंदगी तो अच्छी ही है। कई लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि इंसान को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, इंसान को कर्मवादी होना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इस संसार में कौन ज्यादा सुखी है, भाग्यवादी इंसान या कर्मवान या कर्मवादी इंसान, जो कर्मों की बात हमेशा करता है, जो कर्मों के पीछे हमेशा भागता है, वो ज्यादा सुखी है या जिसने जीवन में भाग्य से सब कुछ पाया है, अच्छे घर में जिसका जन्म हुआ है, जिसके पास जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं, वो इतना अच्छे परिवार में जन्म लिया है कि उसको विरासत में बहुत सारी चीजें मिली है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन ज्यादा सुखी है, एक कर्मवादी इंसान या भाग्यवादी इंसान? अब सुखी का मतलब अलग अलग है। एक कर्मवादी इंसान भी सुखी हो सकता है और एक भाग्यवादी इंसान भी सुखी हो सकता है। कर्मवादी इंसान इस बात को लेकर सुखी हो सकता है कि वो ये सोचे कि मैं जो कर रहा हूं कर्मों से कर रहा हूं, और भाग्यवादी इस बात को लेकर सुखी हो सकता है कि मुझे विरासत में बहुत सारी चीजें मिली, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जिंदगी में कुछ करने की। मैं एक बात कह रहा हूं कि कैसे परिवार की कल्पना करिए जिसके पास जिंदगी में बहुत सारी चीजें पहले से है, उसका व्यापार है। एक मड़वारी परिवार की कल्पना करिए जिसका काम ही है व्यवसाय करना, उसके घर में कोई बच्चा जन्म लेगा तो जब बड़ा होगा और अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा तो क्या उसको विरासत में एक बना बनाया व्यवसाय नहीं मिलेगा? और एक कर्मवादी इंसान जो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ अपने दम पे करूंगा और वो नौकरी करने जाता है, तो क्या उसे संघर्ष और तकलीफ ज्यादा नहीं उठानी पड़ेगी? मैं एक बात कहता हूं कि मुंबई में जो आउटसाइडर है, जो एक्टर बनने आते हैं, और एक बड़े अभिनेता का बेटा जिसको विरासत में बहुत सारी चीजें मिली है, दोनों में अंतर नहीं है? एक बाहर से आया हुआ लड़का, उसको संघर्ष करके रास्ता बनाना है, और एक जिसने जन्म लिया है अच्छे परिवार में, स्टार के घर में, उसको एटलीस्ट पहली 10 फिल्में तो ऐसी ही मिल जाएगी उसके पिता के कर्मों की वजह से। तो कौन ज्यादा अच्छा है, भाग्यवादी या कर्मवादी, ये आप लोग तय करिए। कई लोग हैं जो कमेंट में लिखते हैं, रानू बाबू आप अपने चैनल पे इंसान को भाग्यवादी ज्यादा बनाते हैं, कर्मवादी नहीं बनाते, जबकि मैं अपने हर वीडियो में बात करता हूं कि इंसान को कर्म करना जरूरी है, कर्म इंसान करता ही है,
एक बात ये भी मान लीजिए कि आप मेरा वीडियो सुनते हैं, ये भी एक कर्म ही है। आप मेरा वीडियो किस लिए सुनते हैं? कोई आपको रानू बाबू से मोह है, या रानू बाबू से इतना प्यार है कि आप रानू बाबू के लिए वीडियो सुनते हैं? नहीं, आप इसीलिए वीडियो सुनते हैं कि रानू बाबू के वीडियो से मुझे सुकून मिलता है, या मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे मैं अपनी जिंदगी को बदल पाऊं। तो आप भी तो कर्म ही कर रहे हैं ना। रानू बाबू जैसे 10 लोगों का वीडियो सुन के आप अपने जीवन में अच्छा करने की एक कोशिश कर रहे हैं। बहुत साल एक पहले फिल्म आई थी, गुलजार साहब ने बनाई थी कोशिश, आप वो फिल्म देखना, गोंगे और बहरे की कहानी। इंसान कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन भाग्यवादी खुद नहीं बनता है, भाग्यवादी प्रकृति बनाती है। आपको प्रकृति ने जो दिया है आप उसी के साथ जीते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हम बड़े परिवार में जन्म लेते जहां जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है, तो हम सब कभी भी इस तरह की वीडियो नहीं देखते, इस तरह की वीडियो नहीं सुनते। हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जहां इंसान को कर्मवादी होना ही पड़ता है। जो कर्मवादी इंसान होता है वही भाग्यवादी की बात करता है, भाग्यवादी होने की सोचता है, और जो भाग्यवादी है वो कर्मवादी की बात करता है। इस संसार में बिल्कुल अपोजिशन है, जो जैसा होता है वैसा बात वो नहीं करता है, उसके अपोजिट बात करता है। जिस तरह का आप काम करते हो उसकी बात आप नहीं करोगे, जिस तरह का आप काम करना चाहते हो उसकी बात आप करोगे। इंसान को भाग्यवादी और कर्मवादी दोनों होना चाहिए। इंसान जब कर्म करे तो उसको भाग्य का सहारा मिले, इंसान का जब भाग्य अच्छा होगा तो उसको कर्म अच्छा मिलेगा। कर्मवादी संसार में न जाने कितने लोग हैं, 90% दुनिया में कर्मवादी इंसान है सर। इस दुनिया में 90-95% इंसान कर्मवादी ही है, 5% लोग ही भाग्यवादी हैं। इस बात को समझ लीजिए, कर्म कर ही रहा है अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से हर इंसान कोशिश कर रहा है जिंदगी में आगे बढ़ने का, ऊंचा उठने का, बड़ा बनने का। वो नहीं हो रहा है अलग बात है, उसके जीवन के अच्छे समय नहीं चल रहे। 5% जो भाग्यवादी लोग हैं वो ये सब सोचते ही नहीं, उनको बस जीवन में फन फन एंजॉयमेंट। कभी वो रसिया घूम रहे हैं, कभी वो यूरोप घूम रहे हैं, कभी वो यूके घूम रहे हैं, कभी वो यूएस घूम रहे हैं, कभी किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं तो कभी किसी के साथ, क्योंकि वो भाग्यवादी है, उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उनके जीवन में अभाव नहीं है, उसने बैड फेज लाइफ में नहीं देखे हैं, आपके या मेरे तरह उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं। उसको जीवन का मकसद है एंजॉयमेंट, वो कितना जीवन को एंजॉय कर रहा है, कितना इंसान एंजॉय कर पाएगा। भाग्यवादी लोग सिर्फ इस दुनिया में आते हैं ऐश करने के लिए। हमारे जैसे आपके जैसे YouTube पे बैठ के वीडियो नहीं सुनते हैं वो दुनिया को नया रास्ता देते हैं, वो YouTube बनाते हैं, Google बनाते हैं, ताकि हम जैसे कर्मवादी उस पे काम कर सके, उस पे मेहनत कर सके, या आप जैसे कर्मवादी YouTube जैसे प्लेटफॉर्म से या Google जैसे प्लेटफॉर्म से कोई अपने लिए रास्ता ढूंढ सके, कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे आप जिंदगी में आगे बढ़े। इस संसार में कोई भी इंसान YouTube पे वीडियो सुन रहा हो या रील देख रहा हो, हर किसी के मन में ऐसी ही ख्वाहिश है कि वो उसको ऐसा कुछ जानकारी मिले, ऐसा कुछ मिले जिससे वो अपनी किस्मत बदल सके। दुनिया में 95% इंसान कर्मवादी है, लेकिन आज उनकी हालत देखिए, जिंदगी में अभाव के शिकार हैं। कर्मवादी हमेशा अभाव के शिकार रहते हैं, भाग्यवादी नहीं रहते। भाग्यवादी कोई ऐसी फालतू बात नहीं सोचते, उनको तो पता भी नहीं होता है कि कर्म क्या होता है।
वो तो पैदा ही हुए हैं सोने का चम्मच लेकर। मैं इसीलिए कहता हूं कि भाग्य जरूरी है, क्योंकि हम सब कर्म कर ही रहे हैं। कर्म का फल मिलेगा नहीं तो हम किस लिए कर्म करें, इसलिए भाग्य हमें चाहिए ही चाहिए। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह जहां तक गुबार ही गुबार है। प्यार इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ लेके आता है जहां इंसान दो धाराओं के बीच में फंस जाता है, किस मोड़ जाए ये समझ नहीं आता, किसका साथ दे क्या करे नहीं समझ में आता। जिंदगी में प्यार भी इंसान को कभी कभी ऐसा फंसाता है, ऐसे दलदल में गिराता है कि इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कौन सा कसूर है मेरा जिसकी वजह से मेरे साथ जिंदगी में ये हुई, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था किसी जन्म में। जैसे आजकल बहुत हो रहे हैं, कॉमन है, प्यार में लोग एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं और उसके बाद फिर अलग हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्यार में जब एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, इसमें अगर एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, क्योंकि जिस लड़के के सहारे वो रहती है वो उसे पक्का छोड़ के भाग जाता है। तो ये प्यार का ही परिणाम था जो इस मोड़ पे लाके छोड़ गया। प्यार के कारण जीवन में न जाने कितने बार इंसान को टूटना पड़ता है, कितने बार खुद को मिटाना पड़ता है। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी कोई लड़की की नहीं है, एक कहानी है एक बहुत ही अच्छे इंसान की, जिसके साथ जिंदगी ने अचानक से एक मजाक किया और फिर वो भी दलदल में फंस गई। दलदल में जीवन में कौन फंसाता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास तो एक ही जवाब है कि प्रारब्ध के कर्म ही इंसान को फंसाते हैं, इस मोड़ पे लाके खड़े कर देते हैं कि इंसान करे भी तो क्या करे। अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, उनकी शादी हुई थी एक इंसान के साथ, शादी को 7 साल हो गए। वो इंसान लापरवाह किस्म का इंसान, उसको कोई लेना देना नहीं है कर्मों से, काम करने से। देखिए प्यार की लोग बात करते हैं, प्यार प्यार प्यार, पर वाकई में क्या प्यार से जिंदगी जिया जा सकता है? सिर्फ प्यार से नहीं जिया जा सकता ना। अगर आपने किसी से शादी की या किसी से प्यार किया और चाहते हैं कि जीवन भर वो साथ रहे, तो आपको जीवन में कर्म भी करना पड़ेगा, पैसा भी कमाना पड़ेगा। और इंसान, आलसी इंसान कर्म करने की कोशिश नहीं करता, मेहनत करने की कोशिश नहीं करता, उसे लगता है कि बस बैठे रहो जिंदगी सब कुछ लाकर दे देगी। ऐसा नहीं होता, कर्म आपको करना पड़ता है। 50% फ्री विल है आपके पास, 50% ही भाग्य है। तो इंसान कामकाज नहीं करता था, और जो इंसान कामकाज नहीं करेगा उसके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जो इंसान अपने पत्नी के साथ दिन भर घर में बैठता है, रात दिन एक ही साथ जब इंसान रहता है तो लड़ाई होनी स्वाभाविक सी बात है, पर इनके साथ भी वही हुआ, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, इसके बावजूद भी बच्चे हुए। अब एक साथ पति पत्नी रहेगा तो जिस्म का तो रिश्ता तो होता ही है ना, क्योंकि शारीरिक नीड तो आपकी रहती ही है हर इंसान की, और पति पत्नी है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं। तो बच्चे हुए,
लेकिन बात दरअसल ये है कि भाई, काम नहीं करोगे, पैसा नहीं कमाओगे तो रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक सी बात है। तो इन दोनों के भी बीच में वैसा ही हुआ, रिश्तों में धीरे धीरे खटास होने लगी। लड़के के फैमिली वाले भी इनके ऊपर दबाव डालते थे कि भाई ऐसा वैसा नहीं करेगा, काम ये करेगा वो करेगा, घर पे ही बैठा रहेगा। जब भी ये कहती कि काम करने के लिए, तो नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ कि अचानक होली के रोज इन्होंने अपने पुराने क्रश को ऐसे ही होली विश किया, जो कभी इनका क्रश रहा होगा जीवन में। तो होली में जब इन्होंने कई सालों के बाद जब मैसेज किया, होली विश किया, तो स्वाभाविक सी है बात कि इंसान एक जगह से परेशान है, तो उधर बातचीत शुरू हो गई। बातचीत होती रही और बातचीत लंबे समय तक होती रही। इधर परेशान थे ही, उधर एक सहारा इंसान को मिलता है तो लगता है चलो भाई कोई तो है जिंदगी में जो कम से कम मेरे बारे में अच्छा बात करता है। तब तक अचानक इनके पति को डाइवर्स देने का दिमाग आ गया। उन्होंने कहा कि मैं तलाक दूंगा, तुम इतना परेशान करती हो, अब लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें ये सब बातें निकलेगी ही निकलेगी। और अचानक में जल्दी जल्दी में इन्होंने तलाक भी दे दिया। अब इनके पास ऑप्शन बचे तो क्या बचे। ये गई अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास, उनके पास, उसके पास जाने के बाद सारी बातें बताई। बातचीत तो फोन पे होती ही थी, मैसेज में होती ही थी, तो पहले से पता था। फिर इनके पुराने क्रश ने कहा कि चलो हम दोनों शादी कर लेते, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता ही हूं, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। और इधर इनका तलाक हो चुका था तो इन्होंने शादी कर लिया। शादी उनके साथ हो गई, उनके साथ रहने लगी। एक महीने के बाद फिर से इनके पति से इनकी बातचीत हुई तो पति अफसोस करने लगे और ये कहने लगे कि भाई तुम वापस आ जाओ। तो इनको भी अपने पति के प्रति पता नहीं मोह पैदा हो गया, तो ये आ गई वापस। कुछ दिन आई ही थी कि तब तक इनका अचानक एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से इनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। फिर इनके घर वाले, पति ने या उसके फैमिली ने इलाज करवाया और इलाज करा के भाई कहा कि तुमको उसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने शादी कर लिया है। अब वो सही थे गलत थे ये नहीं कहूंगा मैं। और इनके क्रश पे भी, जो इनके जो क्रश थे उन पे भी दबाव डाला कि भाई तुम लेकर जाओ। इन्होंने अंत में फैसला किया दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद कि ये अकेले ही रहे, अकेले ही रहेंगे। फिर उसी शहर में चली गई जहां इनका क्रश रहता था, जाके अकेले रहने लगी। पर आप कितना दिन अकेले रहोगे। फिर इनको अंततः लौट कर अपने क्रश के पास जाना ही पड़ा, उसके साथ ये रहने लगी। तो जिंदगी में कभी कभी प्रकृति भी अचानक से आपको ऐसे ऐसे मोड़ में फंसा देती है कि आपको समझ में ही नहीं आता। अब बच्चे हैं तो बच्चे के मोह में पति के घर आ गई, फिर लेकिन ऐसा सरकमस्टेंसेस बना कि फिर वापस उनके पास जाना पड़ा। ये प्यार ही है कि आपको इंसान को फंसा देता है। और ये जो भी कुछ होता है, कहीं ना कहीं अचानक से जो जीवन में घटनाएं घटती है, वो इस जन्म के कर्म तो नहीं है, वो प्रारब्ध के कर्म ही है। अब मैं इसमें ये कहूं कि इंसान की महत्वाकांक्षाएं हैं तो ये गलत होगा।